आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। कीटनाशक दवा बिक्री के 19 करोड़ गबन करने वाले फरार 15 आरोपियों में से दो आरोपी गिरफ्तार। जांजगीर चांपा जिले के कोतवाली थाने में दिल्ली की कीटनाशक कंपनी इंसेक्टिसाइड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर अखिलेश कुमार ने 20 जून को थाने में FIR दर्ज कराया था कि जांजगीर चांपा में पदस्थ उनके कंपनी के जोनल मैनेजर, रीजनल मैनेजर और 16 अन्य डिस्ट्रीब्यूटरों ने कंपनी के कीटनाशक दवाइयों के बिक्री के 19 करोड़ रुपए गबन कर लिए हैं। थाने में अपराध दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी, लेकिन आरोपियों को थाने में अपराध दर्ज होने की भनक लग गई थी और वह फरार हो गए थे। पुलिस ने 12 अगस्त को कंपनी के जोनल मैनेजर, रीजनल मैनेजर और एक अन्य डिस्ट्रीब्यूटर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और बचे 15 डिस्ट्रीब्यूटरों की तलाश कर रही थी। इसी दौरान कोतवाली पुलिस को दो डिस्ट्रीब्यूटर कृष्ण कुमार राठौर और दिलेश्वर कुमार कश्यप को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है और बचे हुए 13 आरोपियों की तलाश कर रही है। जांजगीर चांपा से बसंत चंद्रा की रिपोर्ट। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला है। जून 2020 में इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी की ओर से अखिलेश जो प्रार्थी हैं, अखिलेश सिंह, उनके द्वारा 18 लोगों के खिलाफ 19 करोड़ की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया था, जिस पर IPC की धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था और विवेचना की जा रही थी। इसमें पूर्व में ही 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी थी और आज दिनांक को इसमें 2 आरोपी, कृष्ण कुमार राठौर और दिनेश्वर कश्यप, इनको गिरफ्तार किया जा चुका है और इसमें कुछ आरोपी अभी भी फरार हैं जिनकी पतासाजी की जा रही है। ये 18 लोगों ने जो प्रार्थी की रिपोर्ट थी, लिखित रिपोर्ट पर से ये मामला पंजीबद्ध किया गया था, जिनके द्वारा बताया गया था कि इन 18 लोगों ने एक आपराधिक षड्यंत्र कर आपस में जो डीलरों ने मिलकर इस प्रकार की 19 करोड़ की धोखाधड़ी कंपनी के साथ की थी और कंपनी को 19 करोड़ का नुकसान पहुँचाया था, जिस पर से 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। अगर आप रोज नए नए अंचल के समाचार को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल JX न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें और साथ ही वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें।